वेलकम बहनों, आज आपका फिर से स्वागत है वॉइस ऑफ जैसलमेर अन्नपूर्णा पाठशाला में। आज हम बनाने जा रहे हैं गुड़ के लड्डू, जिसको हम आम भाषा में गुलिया कहते हैं। तो जिसके लिए हमें चाहिए वो है, जिसके लिए हमें चाहिए हमने लिया है 500 ग्राम आटा, 250 ग्राम घी, एक छोटी कटोरी गुड़, एक छोटी कटोरी नारियल का बुरादा जो बाहर आता है सूखा गट, उसको हमने दरदरा कर लिया है, साबुत काली मिर्च, थोड़े से काजू, थोड़े से पिस्ते, 15 से 20 बादाम जो हमने दरदरे कर लिए, लड्डू पे लगाने के लिए वर, 250 ग्राम गुड़ चाशने के लिए, आधा किलो पानी। तो आइए सबसे पहले हम लेते हैं एक कढ़ाई चाशनी बनाने के लिए। जिसमें हम पानी डाल देंगे करीबन आधा किलो, और उसमें हम गुड़ छोड़ देंगे चाशनी बनने के लिए। तो जब तक हमारा गुड़ बन रहा है तब तक हम आटे को थोड़ा गूंथ के रखते हैं। इसके लिए हमने पानी लिया है, थोड़ा गुनगुना पानी किया है हमने, और इस तरह से हम थोड़ा सा आटा गूंथ के रख देंगे। बिल्कुल टाइट थोड़ा सा पानी, हम थोड़ा थोड़ा पानी लेते जाएंगे। बस इसको हमें जमा के रखना है, ज्यादा इसको गूंदना नहीं है, इस तरह से। हम बिल्कुल बहुत ज्यादा टाइट आटा गूंथेंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे, पानी को हमने गुनगुना कर लिया है पहले से। हम आटे को पूरा नहीं गूंथेंगे, आप देख रहे हैं, इसको हम ऐसे जमा के रख देंगे करीबन आधे घंटे के लिए। तो आप देख रहे हैं ये हमारा आटा एकदम हमने टाइट लगा लिया, बहुत ज्यादा टाइट। सिर्फ हमने इसको, आप समझो हमने इकट्ठा किया है इसको, इसकी हम मोगरी बनाएंगे इसलिए। तो ये हमारा ऐसा आटा हो गया बिल्कुल टाइट। तो हम इसको एक घंटे के लिए रख देते हैं, तब तक हम एक कढ़ाई लेते हैं। उसमें हम घी डाल देंगे गरम होने के लिए। तो आइए बहनों, हम देख रहे हैं हमारा घी गरम हो गया है। सबसे पहले हम गोंद को तलेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे इसको। इस तरह से हम गोंद के फोले बना लेंगे सारे गोंद के।
इस तरह से हम अपने सारे गोंद को तल लेंगे। इसी तरह से हम बादाम को भी थोड़ा तलेंगे। अब हम बादाम को तल लेंगे इस तरह से। हमने बादाम को दरदरा कर लिया है, करीबन 15 से 20 बादाम को। ये देखिए, साबुत काली मिर्च, इसको भी हम तल लेंगे। हमारी चाशनी भी बन रही है गुड़ की। इसको करीबन एक घंटा लगता है बनने में। तो आइए, अब हमने अपनी काली मिर्च भी तल ली है। तो बहनों, हमारी चाशनी बन रही है। जब तक हमारी चाशनी बनती है तब तक हम आटे का रवा बना लेते हैं इस तरह से। ये देखिए, इसको करीबन एक घंटा हो गया। अब हम एक कद्दूकस लेंगे। आप चाहे तो बड़ी छलनी भी ले सकते हैं, जो ऐसी नुकीली हो। मैं ये कद्दूकस ले रही हूँ और इसको हम, इस आटे को हम कद्दूकस कर देंगे। आप देख रहे हैं, ये नीचे जो रवा निकल रहा है आटे का, तो हम सारे आटे का ऐसा रवा बना लेंगे। तो आप देख रहे हैं, इसी तरह से हमने सारा रवा बना लिया। आप चाहे तो बड़ी छलनी को उल्टा करके बना सकते हैं। अब हमारा सारा रवा बन गया। अब हम गैस को ऑन करेंगे। हमारा घी गरम है पहले से ही। हम अपने रवे को डाल देंगे इसमें। हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। तो आप देख रहे हैं, हमने रवे को अच्छे से भून लिया है। करीबन इसको
15 से 20 मिनट लगते हैं भुनने में। इधर हमारी चाशनी भी बन गई है, चाशनी बनके तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं। चाशनी को करीबन 1 घंटा लगता है बनने में। इसको लड्डू की चाशनी को बनाने के लिए 4 से 5 तार होना चाहिए। चाशनी हमारी तैयार है, ये देखिए, तो हमारी चाशनी पक्के तैयार हो गई। अब हम इसको बंद कर देंगे। हमारा रवा भी अच्छे से भुन गया है। हमारा रवा सिक गया अच्छे से। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम एक छलनी लेंगे, हम इसको छान लेंगे। आइए अब हम इसको मिला लेते हैं। ये गरम है, हम इसमें नारियल डाल देंगे। थोड़ा सा नारियल भी गर्म हो जाएगा। अब हम इसमें कॉर्न डाल देंगे। बादाम, काली मिर्च, काजू, पिस्ता, हम थोड़ी थोड़ी मिलाएंगे चाशनी। अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, फिर लड्डू बनाएंगे। तो आइए बहने, अब हमारा ये गुल के लड्डू बनके तैयार हो गए, गुलिया। तो अब हम इसको बांध लेंगे, लड्डू बना लेंगे।
ये बहुत ही शुद्ध मिठाई है, ये खास करके गणेश जी को चढ़ाई जाती है, शादी और ब्याह में भी बनाते हैं। तरह से हम सभी लड्डू बांध लेंगे। ये आप देख रहे हैं लड्डू एकदम आसानी से बन रहे हैं। तो आइए बहनों, इसी के साथ हमारे गुड़ के लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। गुड़ के लड्डू स्पेशली हमारे गणेश जी को चढ़ाए जाते हैं और शादी ब्याह में भी इनकी काफी डिमांड रहती है। वैसे तो लोग नॉर्मली गणेश जी को प्रसाद चढ़ाने के लिए मोतीचूर के लड्डू चढ़ाते हैं, पर ये एक जैसलमेर की ऐसी डिश है, ऐसी स्वीट है जो नॉर्मली जैसलमेर वालों को ही आती है और इसकी डिमांड भी काफी बाहर से, जो शहर छोड़ के रहने के लिए व्यवसाय के लिए बाहर चले जाते हैं, उनकी डिमांड रहती है कि उनके गुड़ के लड्डू उन्हें स्पेशल बना के खिलाए जाएं। तो इसी के साथ हमारे गुड़ के लड्डू यानी गणेश जी का गुड़िया बन के तैयार हो गए हैं। ये एक जैसलमेर की पारंपरिक डिश है। तो ऐसी और भी रेसिपीज देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकती है वॉइस ऑफ जैसलमेर। धन्यवाद।